किसी ने बुला लिया नीचे, ऐसे गए, अरे फिर माइक ऑन ही है, फिर वो स्पीकर के सामने कभी भी माइक को लेके नहीं जाना होता है, तो उससे क्या होता है, और इसका अंदर का जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं, काफी बढ़िया लगा, एक क्रिस्पीनेस है, क्लियर है, लाउड है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे पास है एक डायनामिक माइक्रोफोन हेडिंग की तरफ से, तो इसका आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, फिर रिव्यू, साउंड टेस्ट का डिटेल वीडियो रहने वाला है। तो इस चैनल को आप कर दो सब्सक्राइब, शेयर वगैरह, तो आपको ऐसे कंटेंट वगैरह मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, पॉल शर्मा आईडी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह भी दूंगा जो जो मुझे आएगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो हम लोग स्टूडियो में काम कर रहे थे, तो उसका एक प्रॉपर एक वीडियो आएगा, तो वो आप देख लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग होकर आता है अमेजोन की तरफ से, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडन BK105 प्रोफेशनल डायनेमिक माइक्रोफोन। तो ये इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफ़ी मुझे बढ़िया लगा इसका। देखो मतलब एक होता ना कि देखो इसके अंदर भी और एक बॉक्स है, इसको हम निकाल लेते हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं, खाली इसको रखते साइड में। तो इसको खोलते हैं, कुछ ऐसे ओपन होता है, तो ये कुछ अब कैसा आएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले एक मिलता है होल्डर, माइक होल्डर, इसको देखेंगे बाद में। एक हमें केबल मिल जाता है ऐसा, 5 मीटर का आई थिंक है ये। देन मेन यूनिट माइक्रोफोन, और ये एक मैनुअल। सो ये मैनुअल के लिए, तो आप इसको देख के पढ़ सकते हो, तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माइक की क्वालिटी, और इस माइक्रोफोन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो पहले मैं दिखा दूँ आपको, एस बबल रैप में आया था, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, क्योंकि मैंने एक पहले भी किया था हेडन का हेडफोन एम्पलीफायर, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी देखते हैं इसका, तो ऐसा कुछ इसका लुक है जैसे आप देख सकते हो, और ये पूरा बिल्ड क्वालिटी जो है ना काफ़ी सही है, सॉलिड है काफ़ी। और इसमें आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है स्लाइड में, और ये भी ऐसा नहीं है कि स्लाइड मतलब ज़्यादा वो हो रहा है, काफ़ी टाइट है, आराम से मतलब नीचे नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसा है। और इसमें यहाँ पे हेडिंग का ब्रांडिंग है, और इसमें BK105 इसका मॉडल है, और यहाँ पे हम अपना एक्सेलर केबल डालेंगे जो इन्होंने दिया है, और इसका अंदर का जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं खोल के। तो इसको खोल लेते हैं, ओके okay. वो काफ़ी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग देखो सही लग रही है ऐसा है। सो मुझे इसका फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन मेन तो इसका साउंड है, तो वो हम सुनेंगे। बट मैं उसमें क्या करूँगा, मिक्सर से यामा का है मेरे पास, यामा का MG10SQ, तो उससे हम करेंगे उसमें रिवर्ब ऑफ करके, देन प्लेन वॉइस में सब कुछ अच्छी तरह चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं केबल की क्वालिटी कैसी है। तो ये हम ऐसे खोल लेते हैं, इसको आप बाद में जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें मार्क करके भी इसको लगा सकते हो। तो ये आपको मिलता है 5 मीटर, तो काफ़ी बढ़िया केबल दिया हुआ है इन्होंने, देख सकते हो मतलब काफ़ी सही है, मतलब ऐसा है कुछ ऐसा केबल है। तो कैसे इसको लगाना है सब कुछ मैं बताऊंगा, मैं काफ़ी सारे डायनेमिक माइक्स के रिव्यू कर रखा है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ है ऐसे क्वालिटी, ठीक है। और हमें एक मिल जाता है एक होल्डर, सो एक सिंपल सा एक होल्डर है, तो आप इसको स्टैंड पे माउंट करके आराम से इसको ऐसे करके लगा सकते हो, ये ऐसे आ जाएगा। सो अभी करते हैं टेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ, तो करेंटली ये अमेजोन में अभी दिखा रहा है 1300 का, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर आपको लेना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और बाकी देखते हैं चेक करते हैं अभी इसको लगाते कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो इधर एक कट सा है, ठीक है, ये एक कट है, और इस माइक्रोफोन में भी एक कट है, इसमें एक मिनट यहाँ पे आई हो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कट है, ठीक है, इस कट के साथ आपको इसको मैच करके फिर डालना होता है। तो ये आप देख लो, आई थिंक दिख रहा होगा इधर के, फिर ये ऐसे एक आवाज़ करेगा, तो मैं फटाफट कनेक्ट करता हूँ इसको। मिक्सर मैंने सामने रखा है जैसे कि इजी लुक हो सब कुछ ऑपरेट करने में, तो लेट्स चेक 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 चेक। हेलो हेलो, सो ऐसा कुछ क्वालिटी आ रहा है। बाय द वे ये मोनाओ का माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये जो साउंड आ रहा है ये ऑल्टो का है, तो इसका भी वीडियो बना रखा है।
एक्टिव स्पीकर है, तो इसका साउंड कुछ ऐसा है, चेक हेलो 1 2 चेक। अभी पूरा प्लेन है, कोई भी इको नहीं है, कोई भी रिवर्व नहीं है इसमें, जैसा आप देख सकते हो 1 2 चेक चेक 1। कुछ गा के देखते इसमें, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं ना जा, कैसा तू है मेरोई कैसा हर जाइया, रे कबीरा रे फकीरा। भाई साउंड क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है, एक होता है ना क्रिस्पीनेस, और मेरे जो यहाँ से ट्रेवल बेस सारे 50 है, मेरा 50 कर रखा है उस हिसाब से, और बेस 50 नहीं है, बेस है 40। चेक हेलो, बेस अगर दूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे आएगा, हेलो चेक हेलो 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 चेक, ये बेस है, और ट्रेवल देखते लाइक हाइस देखते इसका, चेक 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 हेलो हेलो चेक, काफ़ी क्लियर है, सही आ रहा है। तो अभी मैं इसको 50 कर दिया, और इसका मिड भी, मिड चेक हेलो हेलो, ये मिड बेस हो गया, मिड का ये हाइस चेक चेक हेलो, तो मिड भी हमारा ये सेंटर पे। अभी इसमें रिवर्ब ऐड करते हैं, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं ना जा, कैसा तू मेरे मोही कैसा हर जाइया, रे कबीरा रे फकीरा रे कबीरा, टूटी चार पाई वही मिट गुलदारी रस्ता देखे, बन्नो रे बन्नो तेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई। काफी बढ़िया साउंड आ रहा है, एक ओल्ड गाना गा के देखते हैं। और इसका जो साउंड जो है ना, मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे ये कैच कर रहा है सिर्फ सेंटर से, इसका पैटर्न जो है वो है कार्डियोड पोलर पैटर्न। तो उसमें क्या होता है कि आपका ये साउंड यहाँ से लेगा बस, ओनली यहाँ से, यहाँ साइड से नहीं लेगा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँगा, देखो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन ऑफ स्विच में बिल्कुल भी साउंड नहीं है, फिर से देख सकते हो आप, चेक हेलो हेलो आ रहा है बट हल्का आ रहा है, चेक 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 हेलो हेलो अभी देखो कितना सही आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो सब कट जाता है। तो अभी चेक हेलो हेलो चेक, काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक ओल्ड गाना गा के देखते हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाई, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो उसे इको चेक करते इसका इको डिले, चेक 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 हेलो, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, चेक हेलो। तो आप लोग को बताता हूँ कि इसमें ना क्या होता है, जब भी हम माइक में गाना गाते हैं तो सबसे पहले तो एक ये होता है कि जब भी जैसे गा रहे हो, ठीक है, तो कहीं भी यहाँ पर स्पीकर है, नीचे स्पीकर है या पीछे स्पीकर है, स्पीकर के सामने कभी भी माइक को लेके नहीं जाना होता है। तो उससे क्या होता है, स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, माइक भी, माइक्रोफोन भी। इससे अच्छा कि आप इसको ऑन ऑफ करके, मतलब इसको ऑफ करके फिर कहीं पे भी जाना है ना, कभी स्टेज में मैंने देखता हूँ, कभी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जैसे माइक में बोल रहे, अरे किसी ने बुला लिया नीचे, ऐसे गए, अरे फिर माइक ऑन ही है, फिर वो स्पीकर के सामने एक विसल मारता है। तो इससे अच्छा माइक ऑफ कर दो, सबसे बेस्ट रहता है, फिर आप बातें बातें करो जो भी है। और बाकी काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे माइक है इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, ये जो है ना वायर की तरफ, यहाँ पे नहीं पकड़ना होता है माइक को, यहाँ पे पकड़ना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे पकड़ोगे तो बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पे पकड़ोगे तो फिर ये लूज़ हो जाएगा, फिर आपको कनेक्शन में दिक्कत आएगा। और जब भी आप माइक्रोफोन लेते हो, ये जो वायर्स होती है ना, उसको थोड़ा ऐसे हिला के देख लिया करो, जैसे अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, चेक हेलो, तो चेक चेक हेलो हेलो चेक, सही आ रहा है माइक की जो वायर की क्वालिटी वो भी काफ़ी बढ़िया है, और इसकी हैंडलिंग नॉइज़ भी काफ़ी कम है। हैंडलिंग नॉइज़ मीन जब हम इसको पकड़ते हैं तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम साउंड दे रहा है ये, तो काफ़ी मतलब एक ना मुझे सही लगा इसका साउंड का जो क्वालिटी है ना, काफ़ी बढ़िया लगा, एक क्रिस्पीनेस है,
क्लियर है, लाउड है, और मुझे ये नहीं कि मुझे ये सामने लेना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ऐसा है मेरा, चेक, हेलो, अब मैं सामने लूँगा तो साउंड ज़्यादा आएगा, चेक चेक, दूर भी है, तो काफ़ी सही है इसकी माइक की क्वालिटी। और इसकी जो वॉल्यूम है, ये भी मेरा 45 है, 45 है, और मास्टर 50 है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही आ रहा है। वैसे ये रूम में ज़्यादा साउंड नहीं दे सकते। अभी हम बात करते हैं कि ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। भाई मुझे तो काफ़ी सही लगा, इसकी जो साउंड क्वालिटी है और इसकी जो वोकल का जो एक थ्रो है ना, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इस प्राइस रेंज में भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है इसका साउंड क्वालिटी। मैंने काफ़ी सारे कर रखा है डायनेमिक माइक्रोफोन्स के, तो उसमें से मुझे ये बेटर लगा, काफ़ी ऑनेस्ट रिव्यूज हो तो काफ़ी सही लगा। अगर आप लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा इस माइक्रोफोन की क्वालिटी, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत तो नहीं, मतलब स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा है। ये हमारे पास ऑल्टो का है, तो उसमें वैसे भी साउंड अच्छा आता है, बट हाँ अगर आप कहीं और भी लगाओगे तो गैरेट, अगर इसमें लगा रहा हूँ तो माइक में तो कुछ बात है, तो इसलिए उसमें भी अच्छा साउंड आ रहा है। बाकी आप ये ले सकते हो, और अमेजोन का क्या रहता है कि प्राइस अप डाउन रहता है। जैसे अभी 1300 का है, मैंने शायद कल परसों देखा था 1100 का था, तो वो आप देख लेना, लिंक आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा नीचे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर।